देखिए, ये जो रिजुपेव केमिकल है, ये सीआरआरआई के मिस्टर सतीश और वर्मा इंडस्ट्रीज ने मिलके इसको बनाया है। अभी हम इसका ट्रायल फिलहाल यहाँ पे कर रहे हैं। बेसिकली हाई एल्टीट्यूड एरिया जहाँ पर कोल्ड टेम्परेचर होता है, वहाँ पर सीज़न बहुत लिमिटेड होता है, और जो बिटुमेन की फ्लेक्सिबल पेमेंट बनते हैं उनका एक सेट टेम्परेचर ही होता है जिस पे उसको ले किया जा सकता है। तो पूरे साल 12 महीने हमको वो टेम्परेचर नहीं मिलता है। तो उसी चीज़ का ट्रायल करने के लिए जो एक एडिटिव जो रिजुपेव है जो इन्होंने बनाया है, उसका ट्रायल अभी हम कर रहे हैं कि लो टेम्परेचर पे लेइंग करके क्या हमें वही स्टेबिलिटी मिल सकती है जो हम नॉर्मल प्रोसीजर से ले करते हैं। रिजुपेव एक बायो ऑयल बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में लो टेम्परेचर बिटुमिनस मिक्सेस को प्रोड्यूस करने में कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी का सफल प्रयोग इससे पहले दिसंबर 2023 में सेला टनल के अप्रोच रोड के निर्माण में और उसके साथ साथ फर्दर 18,000 फीट ऊँचाई पर इंडो चाइना बॉर्डर के पास LDY रोड में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट वर्तक के अंदर किया है। अभी हम प्रोजेक्ट विजयक के साथ, BRO के प्रोजेक्ट विजयक के साथ कारगिल में ये द्रास उम्बाला सनकू रोड पर करीब 12,000 टू 13,000 फीट एल्टीट्यूड पर इस तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कि लो टेम्परेचर पर, जैसे जब विंटर के समय जब यहाँ पर -5 -7 -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है, उस समय भी हम बिटुमिनस रोड का निर्माण कर सकें। तो अभी आपने देखा है कि अभी इस रोड की लेइंग चल रही है, इसमें इस समय इस बिटुमिनस मिक्स का टेम्परेचर 125 टू 130 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि कन्वेंशनल बिटुमिनस मिक्स 150 टू 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर निकलते हैं। तो जब आप 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मिक्स निकालते हैं तो उसके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसको करने के लिए डीजल ऑयल का उपयोग किया जाता है, जिससे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी होता है और इस प्रिस्टीन एन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैस एमिजन का भी ज़्यादा एमिजन होता है प्लांट के थ्रू। लेकिन इसके थ्रू अगर हम 30 से 40 30 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड मिक्स का टेम्परेचर कम कर पाते हैं तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम होती है, साथ ही साथ हम लो टेम्परेचर पर एक एसफॉल्ट मिक्स बिटुमिनस रोड का निर्माण कर सकते हैं। तो अभी इस प्रयोग में हमने देखा कि जब हमने 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह मिक्स निकाला और उसको 45 से 50 मिनट तक हॉलेज करके यहाँ पर इस लोकेशन पर लाए हैं, तो इस मिक्स में टेम्परेचर ड्रॉप नेग्लिजिबल है, 1 से 2 डिग्री का सिर्फ टेम्परेचर ड्रॉप आया है। जबकि कन्वेंशनल मिक्स जब 150 से 160 डिग्री पर निकालते हैं और इतने सेम हॉलेज टाइम में, उसमें 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर ड्रॉप आता है। तो इस अभी जो प्राथमिक रिजल्ट जो हमारे सामने आए हैं तो उसमें ये दिख रहा है कि टेम्परेचर मिक्स का मेंटेन हो रहा है और बिटुमिनस रोड का निर्माण उच्च गुणवत्ता के साथ किया जा रहा है। क्या आपको लगता है जिस तरह अभी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या सिविल में भी ये चीज़ें उपयोग होगी आपकी खिदमत के, जिस तरह अभी सिविल में जो काम चल रहे हैं? ये जहाँ भी लो टेम्परेचर कंडीशन है, चाहे वो PWD की रोड्स हो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की रोड्स हो, NHIDCL की रोड्स हो, NHAI की रोड्स हो, उन सभी रोड्स के निर्माण में इस तकनीकी का उपयोग किया जा सकता है। ये ना केवल लो टेम्परेचर कंडीशंस के लिए बेनिफिशियल है, साथ ही साथ आप अगर आपका एम्बियंट टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, उस केस में भी आप एक 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड मिक्स टेम्परेचर को कम करके बिटुमिनस रोड का निर्माण कर सकते हैं। 18,000 फीट 11-12,000 फीट में क्या कुछ फ़र्क लग रहा है आपको? वो दोनों जो हमने विजुअल देखे कि वहाँ बर्फ भी पड़ रहा है और इस टाइम यहाँ माहौल अलग है, तो आने वाले टाइम में यहाँ 20-30 जाएगा। उस समय वो प्रयोग इंडो चाइना बॉर्डर के पास किया गया था और आज मैं इंडो पाकिस्तान तकनीकी का उपयोग कर रहा हूँ। जब हम 18,000 फीट एल्टीट्यूड पे थे तब एम्बियंट टेम्परेचर -7 डिग्री सेंटीग्रेड था और साथ ही साथ काफ़ी बर्फ़बारी भी हो रही थी, तो बर्फ़बारी के बीच में हमने सड़क का निर्माण किया था। आज यहाँ पर जो मेजर वो है कि आप 13,000 फीट एल्टीट्यूड पर, यानी प्रिवेलिंग एम्बियंट टेम्परेचर पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड मिक्स का टेम्परेचर कम करके कैसे सड़क निर्माण कर सकते हैं, उसका हमने सफल प्रयोग किया है। और अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट विजयक, जब यहाँ पर विंटर कंडीशन होगी उस समय भी -5 -7 पर इसका उपयोग करके इस तकनीकी के थ्रू सड़क निर्माण का प्रयोग करेगी। जी धन्यवाद। जो मुख्य मुद्दा है जो हमारा काम करने का, वो ये है कि हम जो नॉर्मल लेइंग करते हैं सब जीरो टेम्परेचर में, उसमें टेम्परेचर हम जो लेइंग नॉर्मल करते हैं उसमें टेम्परेचर हम 140 टू 160 डिग्री रखते हैं लेइंग के टाइम पर, तो जो कि अगर साइट दूर है तो उसकी वजह से टेम्परेचर में ड्रॉप होता है और लेइंग करने में दिक्कत आती है। रादर अगर हम इस मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, रिजुपेव जो ये केमिकल है जिसका यूज़ हम कर रहे हैं, इसकी हेल्प से जो
नॉर्मल मिक्स हम 160 पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हम 125-120 पे प्रोड्यूस करते हैं और टेम्परेचर में ड्रॉप कम होता है, इसीलिए हम ये ट्रायल कर रहे हैं। अब ये ट्रायल अंडर प्रोसेस है, आप देख रहे हैं, तो इसकी सक्सेस डिपेंड करती है कि हम जो ले करने के बाद रोल करते हैं वो कितने बेटर तरीके से होता है और डेंसिटी कितना अचीव होता है, तो रोट की लाइफ कितनी आएगी उस पर डिपेंड करता है।